दिल्ली में चुनाव है एमसीडी के चुनाव जरूर है लेकिन जब गृह मंत्री से लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे चुनावी प्रचार में तो समझ लीजिए कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव का क्या महत्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दिल में क्या है कि मंच पर अब जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए मनोज जी पहला सवाल आपसे यही कि जनता और खास तौर पर आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि पंद्रह साल से आप एमसीडी में है आपने कुछ काम नहीं किया है वो कूड़े का अंबार आपको दिखाते हैं, भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हैं क्यों जनता आपको चौथी बार एमसीडी सौंपे पांच बड़ी बातें। देखिए जो ऑनलाइन फील्ड साइट है वो पैंतालीस साल पुरानी है वो 15 साल पुरानी नहीं है और हम लोगों ने इस पिछले 10 साल में उसकी हाइट को 65 फीट से 77 फीट तक घटाया है हम लोगों ने दिल्ली में 700 ढलाव घरों में 412 ढलाव घर जो मोहल्लों के नुक्कड़ पे होता है उसको हमने 412 समाप्त करके वहां लाइब्रेरी और सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनानी शुरू कर दी है हम लोगों ने नाले के गंदे पानी को शोध करके झील बनाना शुरू कर दिया है जहां विदेशी पक्षी आकर के बैठते हैं हम लोगों ने भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बनाना शुरू कर दिया है दुनिया से कोई दिल्ली आएगा तो एक बार जाएगा हमने आज दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए या अपने घर के लाइसेंस के लिए हमने लाइन में लगना खत्म कर दिया सब डिजिटल बाय डिफॉल्ट कर दिया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करने के कगार पर लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा तो दिल्ली का बच्चा बच्चा झूम उठेगा में रहने वाले लोगों को फ्लैट देना शुरू कर दिया है अब आप बताइए इसके बदले आम आदमी पार्टी कोई बताए ना कि क्या किया केवल सवाल पूछेंगे कितने लोगों को घर दे रहे हैं तीन हजार चौबीस लोगों को प्रधानमंत्री जी के हाथ से चाबी दिलवा दी आप सबने देखा होगा मैं पीछे खड़ा था मैं ऐसे खड़ा हूं उनके पीछे और मेरी आंखों के सामने एक बहन से जब वो पूछते हैं बहन आपको कैसा लग रहा है वो बहन की आंखों से झरझरा के आंसू निकल गया अंजना ओम कश्यप जी जब उसने कहा मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे फ्लैट में रहूंगी जहां लिफ्ट से जाना होगा और लिफ्ट का सोसाइटी खर्च भी डीडीए उठाएगी तो आपने शुरू में तो एक दो मिनट पूरा अपना काम गिना दिया पूरा इस मंच का इस्तेमाल कर दिया नहीं, हम तो इससे और भी ज्यादा है और भी किया है काम जब मैं पूछूंगी मैं पूछूंगी लेकिन अभी तो बहुत सारी उंगलियां आप पे उठ रही है ना एमसीडी को लेकर एक मुद्दा भ्रष्टाचार का उठता है हाँ। आप सत्येंद्र जैन के पीछे आप मनीष सिसोदिया के पीछे वो कहते हैं एमसीडी का भ्रष्टाचार कौन रोकेगा एमसीडी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उस पर क्या जवाब है आपका हमने खुद भी कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत ग्रास रूटेड हो गया उस पर हमने अंकुश लगाया है अरविंद केजरीवाल जी बताए ना कि आपने क्या किया उसके लिए आप भ्रष्टाचार दूर क्या करेंगे अपने मुड़ी जब भ्रष्टाचार में डूबल कर सकते हैं हमने उसको समझा भी और हमने रास्ता निकालना शुरू किया हुँ. हमने जो, जो सफाई कर्मचारी थे उनको पक्का करना शुरू किया हमने जगह जगह पे वो अंगूठे का जो एक आता है ना अटेंडेंस लगाने का मशीन शुरू किया हमने तो इतना काम किया लेकिन क्या एक लाइन कह करके अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्या किया हम तो उनके घर गए थे तीन तीन मेयर लेके गए थे सात सांसद लेके गए थे इक्कीस लोगों का शिष्टमंडल था अंजना जी आपके आज तक पे आज भी वीडियो होगा घर में हम लोगों के ऊपर अटैक करा दिया उस व्यक्ति ने और हमें बिना बात किए वापस आना पड़ा क्या ऐसा ऐसा करने वाले व्यक्ति दिल्ली के दोस्त हो सकते हैं और आप बताइए हम आज भी कहते हैं क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ है क्या उन्होंने कहा था स्टिंग लाओ हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, के को पीट सकता है कोई भी सीएम केजरीवाल की आंख फोड़ और पैर तोड़ सकता है वह देश के मंत्री से उनको सुरक्षा देने की मांग करते हैं क्योंकि लोग उन्हें कहीं भी पीट सकते हैं वो कह रहे हैं आप लोग साजिश शशरे अरविंद केजरीवाल की हत्या हो सकती है आई दादा मैं क्या कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा बढ़ाया जाए अरे भाई हम क्या कह रहे हैं विधायक दौड़ा दौड़ा के पीता तो क्या मार डालते उसको तब तक देखते रहते आप आप बताइए अंजना जी मैं तो इतना विशाल हृदय का परिचय देते हुए विपक्ष का मैं अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो गुस्सा है आज उनका एक कार्यकर्ता कल आत्महत्या कर लिया जो मरने की सोच सकता है वो दूसरी तरफ मारने की भी सोच सकता था अगर ऐसी स्थिति में हम उनकी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के सरदार है इस समय वो टिकट बेचने वालों के सरदार है इस समय वो ऐसे ऐसे लोग जो बलात्कारियों से मालिश कराते हैं उनको भारत रत्न मांगते हो ऐसा व्यक्ति को अगर दिल्ली की जनता या उनके अपने कार्यकर्ता अगर गुस्से में कुछ कर दें, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे सांसद होने के नाते मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं केजरीवाल जी की चिंता हो रही है भाई हम तो हम तो कसाब की भी चिंता करते थे हम कसाब को भी कहते थे कि इसको पूरा इसको वकील दो तीन साल तक वो कितना भी जघन्य पापी था तो भी हमारे यहाँ कानून है ना तो अरविंद केजरीवाल हम आप सुरक्षा मांगने का मतलब वो भ्रष्टाचारी के सरदार नहीं ऐसा थोड़ी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप गृह मंत्री से अरविंद केजरीवाल के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे नहीं नहीं हम तो इतने कल... भोले कहां है आप? नहीं नहीं अरे आ? आप बताइए हम हम मांग रहे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बाद वो कर रहे हैं मनोज तिवारी धमकी दे रहा है ने वो कह रहे हैं कि साजिश है कोच मनोज तिवारी आकर सामने बताएं कौन हत्या करने वाला है पंजाब के पहले भी यही इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला था वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये लोग ऐसा करवाएंगे अंजना जी उनके विधायक पार्टी के कार्यकर्ता थे ना आप बताइए हम हम गजब हो गया छोड़ देते हैं हम जाओ भैया तू फर पड़ता जो भी होके हम नहीं चिंता करेंगे अरे हम सांसद हैं हमें हर व्यक्ति की चिंता है सीएम को क्यों नहीं सुरक्षित रखना चाहेंगे लेकिन सीएम ने जो कर्म किया है क्या कर्म किया है अरे मनीष सिसोदिया का तो नाम ही नहीं है जो चार्जशीट फाइल किया है जो एफ आई फाइल की गई है चार्जशीट तो इतने चार्जशीटिगेशन के इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करते हैं आपकी एजेंसी जितना मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है और आप लोग कह रहे थे अक्यूज नंबर वन है शराब माफिया पूरा चला रहे थे मनीष सिसोदिया तो नाम क्यों नहीं अरे वो तो चल रहा है वो लोग चल रहा है केस नहीं बोलना लेकिन आप ये बताइए मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा ये कौन बोल रहा था अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की हत्या हो सकती है कौन बोल रहा है मनीष ये क्या चल रहा है एक दूसरे का मुझे समझे में नहीं आ रहा मतलब मनीष मनीष हत्या कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की जो डायलॉग आ रहा है उनको लग रहा है कि इसकी हत्या हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल मनीष को जेल भेजना चाहते हैं इसमें मनोज तिवारी का है बीजेपी का कोई रोल नहीं है मैडम अच्छा पता नहीं क्या इनके बीच में चल रहा है मैं तो दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति का सबकी सुरक्षा चाहता हूं जो गंदे पानी से लोग बच्चे बिल बिला रहे हैं उनकी भी सुरक्षा चाहता हूं जो टैंकर आने पे मारा मारी हो रही उनकी भी सुरक्षा चाहता हूं मैं तो चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के जिन हाथों से गरीबों को हलसन फ्लैट की चाबी मिल रही है वैसी व्यवस्था दिल्ली में हो ये झुग्गियों का पैसा लेके भाग गए हैं लोग मजदूरों का पैसा फर्जी नाम से निकाल के खर्चा कर दिए अंजना जी हमारे दुखों की कोई सीमा नहीं है फिर भी अगर सुरक्षा मांगना किसी की साजिश धमकाना है तो फिर मैं आगे नहीं मांगूंगा जा जोन हो तो हर हो अपने से तो कार्यकर्ता से मिला पीटा पूर्वांचलियों को देखकर ये ही बीच बीच में दिल्ली में आप अपनी भोजपुरी वाला टच देते हैं ना बत, वो कोई है नहीं सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा सारे प्रांत के रहने से है दिल्ली फिजा हमारा सारे लोग रहते हैं हम हम तो ठंडो रे ठंडो पूर्वांचलियों के बीच में आप जाते हैं तो पूरा समा बांध देते हैं गाना गा के अरे हम तो आजकल उत्तराखंडी भी गाना गाते हैं अच्छा ठंडो रे ठंडो मेरे पहाड़ा की हवा ठंडी पानी ठंडो कैला बजे मुरूली बाजे अब भाई क्या हम नहीं गा सकते हम तो हिमाचल का भी गाना गाते असल में देखिए जहां जहां चुनाव है वहां वहां ये जो गुजराती आवे... गाना सीखा कि नहीं आपने अरविंद भाई आए थे क्या यहाँ हाँ। आए थे आए हैं भगवान सब देख रहा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान यह है गीता का ज्ञान साहब देखिए मैं तो हैरान हूं कि ये लाइन उन लोगों के बीच में आई कैसे कि सुरक्षा मांगने वाले को धमकी दंक, समझ गए इसलिए कर रहे हैं हिमाचल में पत्ता साफ गुजरात में खत्म अब तो जाने का भी इन लोगों का मन नहीं कर रहा है कल ही आया मैं गुजरात से रात में और एम में इनको लगता था कि बस बस हम तो ऐसे लेके सब हबक लेंगे अब स्थिति यह आ गई है कि जो बलात्कारियों को अपना दोस्त बनाता है मालिश कराता है उसको दिल्ली एमसीडी भी देने की कोशिश नहीं कर उसमें उनका जवाब है कि जो जेल में है वहां पर कौन क्या अपराध कर रहा है नहीं कर रहा है उनको फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर कुछ कराया जा रहा था वो उसका क्या क्राइम है उनको पता नहीं है वो जेल में ऐसे ही होता है रोटेशन पे सब एक दूसरे का काम करते हैं हर जेल में अस्पताल भी होता है हर जेल में हैप्पीनेस सेंटर भी होता है अगर किसी को चोट लग गई तो होता है कि नहीं सर अब ये तो जेल में नहीं गए होंगे जो गया होगा जानता है लेकिन हर जेल में आपको कैसे पता है नहीं हम तो भैया सुने हैं हमने जब से सुना पता किया है अभी हम तो गए नहीं भगवान न करे जाना पड़े लेकिन अंजना अरविंद जी, केजरीवाल ने इसी मंच से कहा कि एक दिन के लिए मुझे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे दो आधे भाजपाइयों को मैं जेल में भर दूंगा इतने मतलब लोग अपराध करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हाथ में आया तो मैं सारी कानून की धज्जियां उड़ा करके संविधान को चुनौती दूंगा यही मतलब हुआ देखिए इसी लाइन में उनकी पूरी इमेज आ जाती है अंजना जी देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको इस दिल्ली में बिहारियों को गाली देने वाली आम आदमी पार्टी उनके इलाज पे इतराज खड़ा करने वाली आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी के बाप की दिल्ली नहीं है कहने वाली अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इसी दिल्ली में आप सोचिए क्लासरूम घोटाला हो शराब घोटाला हो डीटीसी घोटाला हो सारा घोटाला करने वाली आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी उसके बाद भी चाहता है कि सड़कों पे सजा कोई न दे विधायक को जैसे दौड़ाया गया उस तरह से ना हो इतनी बड़ी स्कूल को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बड़प्पन का धन्यवाद करना चाहिए था वो हमी को करे धमकी दे रहा है मनोज तिवारी बाड़ी से पर सवार रूपवा मनवा मोहता मैं माँ का भजन गाने वाला आप हमारी भावना नहीं समझ पाए सर तो बीजेपी का भजन गा रहे हैं नहीं वो तो सेवा है ना बीजेपी का मतलब सेवा है सेवक अपना बनाए रखना कोरोना की कहर जगी थी तब भी बीजेपी सेवा में लगी थी घर घर भोजन अनाज पहुंचाए सारी पार्टियाँ चुप के भगी थी मोदी का धर्म ही सेवा है आप लोग ताली बजा रहे हैं ना ये दिल्ली हमारे लिए यही है ये यह दिल्ली की जनता हमारे लिए सबसे बड़ा भाव यही है कि चरणों में अपने बसाए रखेगी दिल्ली मैं आपको पता है झुग्गी वासियों से पैसा लेकर के दिल्ली सरकार और उनको फ्लैट नहीं दी है अस्सी हजार साठ हजार सत्तर हजार पचहत्तर हजार अब हम क्या क्या अरे छोड़िए मजदूरों को जो पैसा कल्याण के लिए दिया जाता है दो लाख लोगों का एक ही फोन नंबर करके पैसा निकाल लिया पंद्रह हजार चार सौ लोगों का एक ही पता अंजना जी ऐसा हो सकता है और बार बेचारे मजदूर पेंट ब्रश ले के चौराहे पे सारे पोल्यूशन के बाद भी गैस चैम्बर बनने के बाद भी इंतजार कर रहा है कोई आएगा हमें अपने घर में ले जा काम देगा क्या अरविंद केजरीवाल जी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए आज पूरे दिन में संदीप भारद्वाज की चिंता नहीं करनी चाहिए थी उनका कार्यकर्ता टिकट का पैसा ले लिया ज़्यादा पैसा कोई दे दिया तो उसको बेच दिया वो बेचारा आत्महत्या कर लिया ये पाप कहाँ जाएगा सर अरविंद केजरीवाल जी मैं तो पहले आता ना तो मैं उनके प्रोग्राम में बैठता यहां आज मैं सोच रखा था मैं क्या करूं पब्लिक रोक छोड़ नहीं पाई हमको तो फिर भी कहां पे थे आज अरे हम गए थे विकासपुरी फिर गए थे मटियाला फिर उधर से विकास नगर और कहाँ गए थे बताओ बापरोला ककरोला और ये सारी जगहों पे हो करके मैं थोड़ा सा देर से आया क्षमा कर देना मैं ऐसा करता नहीं लेकिन आज ऐसा हुआ क्या ये बीजेपी के लिए प्रेस्टीज का चुनाव है पूरी ताकत आप लोग झोंक रहे हैं मुख्यमंत्रियों को अन्य राज्यों से बुला रहे हैं गृह मंत्री माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हैं आर पार की लड़ाई है क्योंकि अगर ये एम चुनाव बिहार गए विधानसभा के साथ साथ तो दिल्ली में एक तरह से सफाया हो जाएगा नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं क्योंकि जहां हमें लोगों की सेवा करने का भाव लेना है हम किसी चुनाव को छोटा समझ ही नहीं सकते ये अहंकार जिस पार्टी में होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी कह रही है ना अरे भाई हम लोग तो गुजरात से मैं लौटा हूं और गुजरात में मैंने एक दिन में चौदह कार्यक्रम किए अंजना जी चौदह हाँ परमानंद तो चाली तो बिहार चाली गोरखपुर चाली ये सब वहां पे है और तब हमने हम एक भाव से चलते हैं ना कि मैं तो गुजरात की जनता का पैर छू छू करके आया हूँ क्योंकि गुजरात की जनता ने अगर मोदी निर्माण नहीं किया होता तो आज राष्ट्र निर्माण हम नहीं देख पाते मेरे भाई बहन गुजरात के जो भी लोग मिले हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि मोदी निर्माण नहीं होता तो मंदिर निर्माण कहाँ होता गुजरात बनाया नरेंद्र मोदी को मोदी जी ने देश सजाया है अगर मोदी जी को गुजरात न लाया होता तो भारत दुनिया का नेता कैसे होता भजन मुद्रा में आप चले जाते हैं मैं आनंद में हूँ मैं आनंद में इसलिए नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हवाइया उड़ रही हैं इसलिए नहीं हूँ वो तो उनका कर्म है मनोज तिवारी किसी को धमकी नहीं देता अरविंद केजरीवाल जी आप अपने कर्म से डर रहे हो आप अपने पाप से डर रहे हो आपको लगता है कि आपको डर है तो मनोज तिवारी जैसे एक कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता से आप नहीं डरते आज आपके चेहरे पे जो डर देखा हूं आज मनीष सिसोदिया जी के चेहरे पे जो डर देखा हूं वो डर आपके अपने कर्मों का है ये मनोज तिवारी या किसी भाजपा कार्यकर्ता का आप मोदी जी के नाम का गाना गा रहे थे लेकिन विपक्ष का ये कहना है और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं विपक्ष का ये कहना है कि एक तो हमें मोदी जी से लड़ना होता है जहां हम चुनाव लड़े बीजेपी से लड़ना होता है आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लड़ना होता है और इन सब के ऊपर देश की एजेंसियों से लड़ना पड़ता है क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि ये सारे मामले दिल्ली वाले अभी एमसीडी और गुजरात चुनाव क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी है वो सीधा आरोप लगाते हैं कि मुझसे डील कर रहे थे मनीष सिसोदिया इधर आ जाएं। फिर गुजरात में ना लड़े तो छोड़ देंगे सत्यन जैन को मनीष सिसोदिया को ये सीधा बार्गेन का आरोप लगा रहे हैं वो मोदी जी को बनाया जनता ने बीजेपी को प्यार दिया है जनता ने मुख्यमंत्री बनाए हैं जनता तो मुख्यतः अरविंद जी आप जनता से लड़ रहे हो जनता से ये सारे अगर बनाई है जनता तो जनता जनता पे नाराजगी प्रकट करेंगे आप देखिए अंजना जी मेरा छोटा सा एक अपना समिशन है हाँ। के ये जो भय होता है आप भी बना लो ना उत्तराखंड में बनाने गए थे ना एक एसी भी था उनके पास वो भी आपने ले लिया कैसे भय बनाएंगे वो क्या था एसी एंटी करप्शन ब्यूरो था उनके पास वो भी ले लिया आपने तो जब एंटी करप्शन ब्यूरो के करप्शन में खुदे गोद देंगे तो क्या करेंगे हम एस, इसलिए थोड़ी है कि हमको जनता ने चुन लिया तो अब हम कितना भी डीटीसी वालों को लूट लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सोचिए ग्यारह हजार बसे लाने का गारंटी दिया था याद है आप सबको सर ग्यारह हजार बसे लाने की गारंटी और आई कितनी 150 बस आई भी तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया मेरे भाई बहन उन्होंने गारंटी दिया था कि पांच साल बाद जमुना जी में डुबकी लगाएंगे हम भी आप भी हम रोज खोज रहे हैं चलो जरा लगाते हैं अरविंद भाई आ जाओ देखो मैं तो इतना मर्यादा में बात करता हूं ये लोग तो क्या बातें करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे कैसे शब्द निकालते जिस प्रधानमंत्री ने देश के गौरव को कहां से कहां आसमान तक पहुंचा दिया उनके लिए देशद्रोही शब्द प्रयोग करते उसके बाद इनको सिर्फ इतने कहने पर कि इनकी सुरक्षा बढ़ाया जाए इनका नीचे से ऊपर तक लुत्ती लग जाता कर कर कर, कर, कर। मेरा मानना है नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के मुख्यमंत्री हो अलग अलग राज्यों में सरकार हो ये सारे जनता के बनाए हुए हैं जनता से मत लड़ी अरविंद केजरीवाल जी पंजाब आपके राजनीतिक पतन का अंतिम कड़ी बनने जा रहा है पूरे पंजाब में सीएम हाउस घेरा हुआ है किसानों ने चार कदम निकल के नहीं मिल सकते पूरे पंजाब में आज हत्याएं हो रही हैं निर्दोषों की हर गली से लोग निकल रहे हैं कोई अगर जागरण भी कर रहा है तो कोई आता है और जागरण का दिया बुझाता है और अरविंद केजरीवाल की सरकार मूक तमाशा देख रही है वहां पे पंजाब में यहां दिल्ली में जो स्थिति है सबके सामने है अब क्या करेंगे जान लेंगे इनडायरेक्टली तो जान ले ही रहे हैं आप बताइए हम क्या कर सकते हैं हम तो जितनी बातें कह रहे हैं जनता की अदालत में कह रहे हैं फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये कितने भी पापी हो कितने भ्रष्टाचारी हो कितने भी खोखले लोग हो लेकिन इनको न्यायालय को सजा देने दो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग आप भी विधायकों को ऐसे मैं दौड़ाओ ये ठीक बात नहीं है <laughs> बड़ी चिंता हो रही है आपको अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के विधायकों की लेकिन मैं अब सवाल पे आती हूँ फंसाने के लिए ये डेट ऐसे रखे गए हैं क्या ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात और दिल्ली इस दोनों के बीच अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को नचा देना है तभी एक पांच को गुजरात में वोटिंग है यहाँ दो को है सात को यहाँ नतीजे आठ को वहाँ नतीजे तारीख तो इससे हमको तो डर नहीं लग रहा है डर कौन रहा है अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के लोग कहीं बिठाएं तब तो जिस एक व्यक्ति का लगता था वो लोकल बहुत मजबूत था वो एक व्यक्ति लगता था कि शायद ये जीत जाए अपने बल से वो भी जाके पर्चा वापस लेके आ गया इधर मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं अरे बीजेपी वालों ने उसको वापस ले लिया वो कह रहा नहीं हम यही है मैं यही हूँ तुम लोग पैसा मांग रहे थे इसलिए मैं वापस ले लिया पर्चा आपके चैनल पे देखा था हमने सारी बात आज तक मैं देखा था तो आप आज तक की बातों को मीडिया की बातों को तो झूठा नहीं कर सकते ना थोड़ा दिन डिले कर सकते हैं थोड़ा सा आ, मिस क्या कहते हैं मिस गाइड कर सकते हैं लेकिन गुजरात का चुनाव और दिल्ली का चुनाव एक साथ है हम अभी तीन दिन गुजरात हो के आए तो क्या दिल्ली में हमारी आ, हमारे लिए लोग नहीं परेशान हो रहे हैं हमें आज आज तक के शो में आने में देरी हो गया क्यों क्योंकि आठ लोग का प्रोग्राम था बीच में काटते तो सब रोने लग रहे थे नहीं भाई आपको रहना है हम तो एक को गली में आम आदमी पार्टी का नेता नहीं देखे दिल्ली में अरे आम आदमी का विधायक ना ऐसे छुप के बैठा हुआ है कहीं कार्यकर्ता आप समझ रहे हैं ना अंजना जी हमारी बात से लोग हंस दे रहे हैं लेकिन मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर अभी आज हमारे मुकुंदपुर में चार लोग ज्वाइन किए बापरोला में ज्वाइन किए ककरोला में ज्वाइन किए विकास नगर में ज्वाइन किए हम कहे भैया देखो अभी इतना मत ज्वाइन कराओ इकट्ठे आ जाओ हम तुमको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है आप आप तो दूसरी पार्टियों से लेने में बहुत आप लोग पीएचडी रखते हैं आजकल नहीं नहीं हम देखिए दूसरी पार्टियों से लोगों को लेने जी जी मैं कई बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी में कई अच्छे लोग चले गए थे वो ये सोच के गए थे कि लेट अस चेंज द सिस्टम लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया आम आदमी पार्टी का ऐसा चेंज हुआ कि आम आदमी पार्टी के वो जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे बड़े यूनिक यूनिक लोग थे कोई अपना सर्विस छोड़ के आ गया कोई अपना एनजीओ छोड़ के आ गया मैं गलत कर रहा हूं तो टोकिएगा और आज उन लोगों से बात करिए ना तो बातचीत को हम आज तक पे दिखा नहीं सकते जो लैंग्वेज बोलते हैं लोग मैं तो बहुत शिष्टाचार में बात कर रहा हूं और मुझे पता है कि दिल्ली को जिसने रुलाया है दिल्ली उसको चार दिसंबर को अच्छी तरह सबक सिखाएगी आपने कहा कि बहुत यूनिक लोग थे जो आम आदमी पार्टी में है। आप भी बहुत यूनिक है आप भी गाय की छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अब काम कर रहे हैं आपको अपना क्या भविष्य दिखता है मनोज जी क्योंकि देखिये एम सी चुनाव आपके लिए भी साख और नाक की लड़ाई है इस बार और फिर विधानसभा में मोदी जी के नाम पर लोकसभा में तो आप फुल मार्क्स ले आते हैं लेकिन विधानसभा का क्या एमसीडी का क्या अपना भविष्य आपको क्या दिखता है क्या पहली हाँ मुख्यमंत्री बनेंगे कभी दिल्ली के पहली बात तो कि हम व्यक्तिगत भविष्य के लिए राजनीति में आए ही नहीं हमारा तो भविष्य बहुत बड़ा हो गया था गली गली में गाना गूंजता है ईश्वर ने इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है कि मुझे आगे हमारे बच्चे अपने बल पे जो करना होगा करेंगे हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और देश का भविष्य है अंजना जी और उसमें मुझे पूरी पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे दिल्ली धीरे धीरे जागी है इस मोह जाल से भ्रम जाल से धीरे धीरे निकली है लेकिन हमने तीन हजार चौबीस वासियों के चेहरों पे खुशी के मुस्कान देखे हैं और आप देखिएगा इस दिल्ली को विश्वास हो गया है कि झुग्गी को घर भी दिया मोदी जी ने प्रगति टनल भी बनाने का काम किया मोदी जी ने मेट्रो का जाल भी बनाने का काम किया मोदी जी ने एक एक झुग्गी वासियों को उनका अपना घर दिलाएंगे और पहाड़ जो आज हमने पैंसठ परसेंट कम किया कूड़े के पहाड़ जो कहते हैं मैं उसको लैंडफिल साइट बोलता हूं उसको भी एकदम जीरो करके इन टू एंड हाफ ईयर्स वहां पे हम भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बना देंगे ये हमारा इन विद इन टू एंड हाफ ईयर्स टू एंड हाफ ईयर्स हाँ लिख के रख लें आज से अरे इसको देखो गोल चेंज करता है वो पहले कहते थे यमुना साफ कर देंगे अब 25 कह रहे हैं आप कहते थे कि हम कूड़े काम बार खत्म कर देंगे नहीं अब नहीं, हमने कहा हुआ है हमारा हमारा आपके ऊपर आज तक के हमारा 2017 में वादा था हाँ। कि हम विद इन फाइव टू तो सिक्स इयर्स ये कर देंगे अगर अरविंद फाइव तो निकल गए नहीं नहीं निकला निकला मैं दुखी हूँ इसीलिए तो एमसीडी को एक करना पड़ा इसलिए तो हमने एमसीडी की व्यवस्था को बदली क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के रहते ये करने नहीं देते फंड रोकते रहते तो हम लोगों ने एमसीडी का यूनिफिकेशन कर दिया अमित शाह को जय श्री राम निगम को दिया जीवन दान अच्छा चलिए बताइए चार को जब जनता वोट करने जाएगी क्या मन में ये डर सता रहा है कि जो कूड़ा कूड़े के इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल खुद वहां गए और वहां पे आपने देखना अलग अलग जगहों पर उन्होंने कह दिया एमसीडी कुछ काम नहीं कर रहा कूड़ा काम है इनका अगर वही लोगों के टॉप ऑफ माइंड फोर्थ को रह जाता है तो क्या कीजिएगा क्या ये डर सता रहा है और क्या होना चाहिए आपकी तरफ से क्या है आखिरी सवाल देखिए जनता का डर होना भी चाहिए जनता के सामने हम परीक्षा दे के गए हैं तो अगर अगर कोई ये कहता हम जनता से डरते नहीं तो वो अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं हम जनता का सम्मान भी करते हैं जनता से डरते भी हैं लेकिन हमने जो कहा था वो किया है अब एमसीडी की इस जिस व्यवस्था में एमसीडी आत्मनिर्भरता खो चुकी थी हमने उस एमसीडी को नरेंद्र मोदी जी ने वापस आत्मनिर्भर बनाया है हमने अब तक जो किया है दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता है हमने पार्क बना के दिया वो शराब की दुकान बनाने में लगे हुए थे हमने पार्क में लोगों को अच्छी सांस दी वो मंदिर के सामने मस्जिद के सामने गुरुद्वारे के सामने स्कूल के सामने शराब की दुकान खोल रहे थे दिल्ली डिसाइड करेगी कि स्कूल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान चाहिए या पार्क चाहिए चार दिसंबर को देश हमारे जो दिल्ली के लोग फैसला करेंगे उसको हम लोग बड़े आशा और सकारात्मकता के साथ स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी के पोस्टर्स आपने दिल्ली में भी लगा दिया मतलब बताइए एमसीडी चुनाव कहा मंगल ग्रह पे भी नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लगा है क्योंकि वहां भी लग रहा है कि अगर इन्वायरमेंट को कोई बचाएगा तो भारत सपूत नरेंद्र मोदी बचाएगा जी में लग रहा है दुनिया के हर देश के लोग जब आजकल मोदी जी को मिलते हैं जब वो चलने लगते हैं तो कहते हैं चलो वो कहते हैं नहीं मोदी जी यू फर्स्ट इंडिया फर्स्ट अंजना जी ये हमारे लिए गर्व का विषय आपने कहा ना भविष्य क्या है मेरा गर्व तो का बर... का भी वोट का भी विषय नहीं गर्व होगा तो वोट होगा जनता को आत्मगौरव होगा तभी वोट होगा सकारात्मकता होगी तभी वोट होगा अगर किसी बलात्कारी से मालिश कराने वाले को अरविंद केजरीवाल जी पद्म विभूषण और भारत रत्न देने को बोलते हैं तो करेगी कि ऐसे के साथ क्या करना है चले सिर्फ वोट, वोट, सिर्फ वोट। और कुछ नहीं करना है सिर्फ वोट केवल आपको न लाठी उठाना है ना डंडा उठाना है केवल चार तारीख को कमल का बटन दबाना है उसी में काम हो जाएगा मैं आपके मंच का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं और दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी अंजना जी मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली के स्वरूप को आज जो दिया है नरेंद्र मोदी जी के प्रेम ने हमारे क्षेत्र में डबल डेकर रोड बन रही है नीचे सड़क उसके ऊपर सड़क उसके ऊपर मेट्रो आप सोचिए नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी के इस कार्य को अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रगति मैदान के टनल में बोला कि हम दिल्ली का फंड नहीं देंगे तुम मत दो रखे रहो स्विमिंग पूल में लगा लो और पानी भरवा लो नहाओ हमने बनाना बना मोदी जी है ना हमने बना के दिया हमने पेरीफेरी रोड बना दिया लेकिन सबसे जो सबसे टची बात है कि हमने अगर एक हजार रुपया भी कोरोना में दिया बहन को तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट दिया कोई उसमें कट मनी मांगने वाला नहीं था कोई उसमें बीच में सत्येंद्र जैन या किसी विधायक का साला नहीं था कि बीच में कटिंग करेंगे बेचेंगे कितना बेचोगे मेरा मानना है कि ये सारे पाप सबके सामने आएंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के किए कार्यों को एमसीडी में हमारे किए गए प्रयास को सराहेगी और अब तो आत्म आत्मनिर्भर हो गई एमसीडी अंजना जी आत्मनिर्भर है आत्मनिर्भर है चलिए ठीक है चार नवंबर को जब जनता वोट करेगी दिल्ली की तो डिसाइड करेगी गुजरात और हिमाचल के चुनावों पर जितनी नजर है उतनी ही लोगों की दिल्ली एमसीडी में भी रुचि है देखने के लिए कि क्या बीजेपी की यहाँ पर लोकप्रियता का पैमाना है बहुत धन्यवाद आपका मनोज तिवारी तो गुजरात से आम आदमी पार्टी को और हिमाचल से साफ कर दिया है अब यही बस आशा उनकी। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जबरदस्ती के शब्द के मैंने कहा कि वहां के चुनाव के साथ you, साथ एमसीडी के चुनाव में भी जनता की रुचि उतनी ही है नहीं मुझे तो यही सुना दिया सब गए खाली यही रुचि है रिजल्ट डे तक सभी नेताओं को यही सुनाई देता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मनोज तिवारी <laughs> जी आप आज तक के मंच में आए दिल्ली के दिल में क्या है मैं आपने हिस्सा लिया तमाम सवालों के जवाब दिए बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच और आपका मैं हर शो बहुत ध्यान से देखता हूँ तो जब कब को भोजपुरी बोल लू ना तो खुश हो जाए धन्यवाद थैंक यू